आज हम एक्सेल के चार्ट्स की बात करते हैं। एक्सेल में चार्ट्स इंसर्ट मेनू के अंदर होते हैं, और बेसिकली एक्सेल में तीन तरह के चार्ट होते हैं, एक बार चार्ट, एक लाइन चार्ट और एक पाई चार्ट, और चौथी तरह के मिक्स तरह के और ले सकते हैं। तो एक्चुअली बार जिसको जो हम बोलते हैं वो दो तरह के हैं, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। हॉरिजेंटल को एक्सेल में बार बोला जाता है और वर्टिकल को कॉलम बोला जाता है, पर हैं ये दोनों सेम ही चीज़। इसी तरह से लाइन, अगर लाइन के नीचे का एरिया हम शेड कर दें तो इसको बोला जाएगा एरिया, ये एरिया, और इसी की फैमिली में है सरफेस चार्ट। तो ये एक तरह के होते हैं, लाइन, एरिया, सरफेस और कॉलम बार एक तरह के हैं, और इसमें एक होता है पाई, और जिसका हायर वर्जन को हम बोल देंगे डोनट चार्ट। इसके अलावा बबल चार्ट, रडार चार्ट, स्टॉक चार्ट, ये कुछ और मिसलेनियस चार्ट में हम बोल सकते हैं। तो अगर हम बार चार्ट की बात करें, इसके फिर आगे कई फेजेस होते हैं। एक तो ये दिखाई कैसे दे, तो सिंपल रेक्टेंगुलर, 2D या 3D में, या सिलेंड्रिकल, कॉन, पिरामिड, ये इसके अलग अलग पांच तरीके हैं, और हर एक के अंदर तीन तरीके होते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम, स्टैक या 100% स्टैक, ये इंपॉर्टेंट है। और यही हमें समझना है कि स्टैक, 100% स्टैक कौन सा कहाँ यूज़ होता है। ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, क्लस्टर्ड, स्टैक, 100% स्टैक, ये हर चीज़ के अंदर अवेलेबल है। लाइन में भी सिंपल लाइन, या हम स्टैक लाइन देखें, या 100% स्टैक लाइन। बार के अंदर भी तीन तरह का है, एरिया में भी तीन तरह का है, ये हर जगह क्लासिफिकेशन मिलेगा। पाई के अंदर थोड़े से अलग होते हैं, ये थोड़ी सी एक्सप्लोडेड पाई है या पाई ऑफ पाई, इनके इम्पोर्टेंट है। तो चार्ट की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका एक्सेल में डाटा को सिलेक्ट करें, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt F1। Alt F1 से आपका बेसिक आ जाता है चार्ट। बेसिक कौन सा होता है, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इंसर्ट में यहाँ जाइए, ये है हमारा चेंज चार्ट टाइप। तो आप अपनी टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं, जिसको भी सेव एज डिफ़ॉल्ट करेंगे वो आपका Alt F1 से खुल जाएगा। तो ये चीज़ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो मैंने लाइन को कर दिया सेव एज डिफ़ॉल्ट। ओके, तो अब अगली बार जब मैं यहाँ चार्ट बनाऊँगा Alt F1 से, तो लाइन चार्ट बन गया। मैं इसको एक बार और चेंज करके देख लेता हूँ, यहाँ से मैंने चेंज कर दिया सरफेस चार्ट, या लेट से दिस कॉन चार्ट, सेव एज डिफॉल्ट। ओके, तो अगली बार जब हम चार्ट बनाएंगे Alt F1, तो हमारा ये चार्ट बन रहा है। तो आप अपना पसंद का चार्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं, और अभी हम बनाते हैं सिंपल वाला चार्ट। तो एक्सेल ये बोलता है अपना डाटा को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए, और सिंपल वाला चार्ट करें। अब एक्सेल के कुछ रूल्स हैं, ये जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जो सेपरेट हैं, और इनमें से हर चीज़ को हम इंडिविजुअली मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनके कुछ नाम देख लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं लीजेंट, के ब्लू कलर के अंदर क्या है, रेड कलर में क्या है, ग्रीन में क्या है, और इनको हम बोलते हैं हमारे ग्रिड लाइन्स। 50-50 के ऊपर स्पेस है, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, इसको बोलते हैं मेजर ग्रिड लाइन। और अगर हम माइनर करेंगे, सॉरी ये वर्टिकल वाली होगी, हॉरिजॉन्टल, माइनर, तो ये माइनर में आ जाएगा। तो एक तो हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वाई एक्सेस को, एक्स एक्सेस को, इनमें से हर बार को अलग अलग इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और इन्हीं के ऊपर हमें डिस्कस करना है अलग अलग तरह के चार्ट्स पे। तो बेसिक में तीन क्लासिफिकेशन बोल रहा हूँ, एक ये वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, और एक हमारे जो बार्स हैं जो डाटा से आता है। जब भी हम एक्सेल में सिंपल अगर हम मेनू देखें, हमारे 6-7 मेनू आते हैं, शायद डेवलपर आपके पास ना आ रहा हो, लेकिन व्यू तक मिलते हैं, ये एड इन वगैरह मैंने अलग से कर रखे हैं। तो जब भी आप ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो तीन नए आते हैं, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं ये है क्या चीज़। डिज़ाइन पार्ट, डिज़ाइन पार्ट, डिज़ाइन मेनू हमारा टेक्निकल मेनू है। इसमें सभी तरह के हमारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, आप सेव भी कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं रो और कॉलम को, तो स्विच करके देखो ना,
तो ये हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल का बन गया। इसको मतलब एक तरह का ये ट्रांसपोज हो गया। हम डाटा को कुछ नया कर सकते हैं, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत तरह के स्टाइल हैं, लाइक अलग अलग देखिए, कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ, बैकग्राउंड के साथ, लाइक मैं ये यूज़ करता हूँ, तो अब देखें इन पर कुछ फ़र्क पड़ा। तो जो भी हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो डिज़ाइन है। जैसे हम बाइक को डिज़ाइन करते हैं तो ये देखते हैं एरोडायनामिकल बॉडी है, शेप क्या रहेगा, ये डिज़ाइन पार्ट है। लेआउट पार्ट होता है अरेंजमेंट पार्ट, जैसे घर के अंदर मैं अपनी कौन सी चीज़ कहाँ रखता हूँ, ऑफिस में कौन सी चीज़ कहाँ है, टेबल कहाँ है, अलमीरा कहाँ है, चेयर्स कहाँ पर है। तो लेआउट में आता है चार्ट का टाइटल, अगर देना हो तो एक्सिस के टाइटल, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे लीजेंड, ये जो कलर्स डिनोट कर रहे हैं। डाटा लेबल, अगर आपको डाटा दिखाना है चार्ट के ऊपर तो डाटा टेबल, अगर आपको चार्ट के साथ साथ टेबल भी डालनी है तो एक्सिस, प्राइमरी एक्सिस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा विदाउट लेबल। ग्रिड लाइंस, जैसे मैंने अभी ये कर रखी है तो हम सिर्फ मेज़र कर देते हैं ग्रिड लाइंस। प्लॉट एरिया या ट्रेंड लाइंस, एरर बार्स, ये हम आगे चल के करेंगे एनालिसिस में। और इधर है पिक्चर देनी, तो हम देखें कोई पिक्चर डाल के, तो इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट के अंदर, बैकग्राउंड में भी। और कुछ टेक्स्ट बॉक्स, कोई शेप डालनी है, तो ये लेआउट का पार्ट है। थर्ड है फॉर्मेट। फॉर्मेट इज़ ऑलवेज ड्राइंग पेंटिंग, इसको अलाइनमेंट कैसे करना है, रोटेट करना हो, हाइट विड्थ, आउटलाइंस, कलर, शेप, ये फॉर्मेटिंग इज ड्राइंग पेंटिंग। ये तीन चीज़ें हैं जो हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी टेबल हटा दूँ। ग्रिड लाइन मैंने दे रखी है, तो इनके हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। लाइक इसका कलर चेंज करना है तो कलर्स हमें मिलेंगे फॉर्मेट में, इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर लें। इनकी आउटलाइंस वगैरह देनी है क्या, तो ये ब्लैक करेंगे तो देखिए इस पर बॉर्डर आ गया है। शेप के इफेक्ट्स डालने हैं क्या, शेडो के, नॉन शेडो के, ये इस तरह की चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट हुआ कि चार्ट, चार्ट्स के टाइप्स और तीन तरह के मेनू, इनमें क्या क्या आएगा। डिज़ाइन के अंदर हम यहाँ से जाके चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाएगा, ये चेंज हो गया। या लाइन चार्ट अगर हम बनाएं तो लाइन चार्ट बन गया, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हम इनके अलग अलग ऑप्शंस, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। फॉर्मेट एक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मेट एक्सेस, इस पर अगर हम देखें तो प्लॉट एरिया, इनको हम देखेंगे कैसे करते हैं अगले मेनूज में।